यहाँ मैप पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वो मैप पर स्विच हो जाएगा, और जैसे स्विच करेगा आपका जो लोकेशन है वहां पर शो कर जाएगा, तो यहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकता है और डायरेक्शन भी जान सकता है। डिजिटल बिजनेस कार्ड, इस कार्ड के बारे में आप तो जानते ही होंगे, और आप ये भी जानते होंगे कि इस कार्ड को यूज करके छोटे और बड़े बिजनेस कितना ज्यादा पैसा बना रहे हैं। तो अगर आपको अभी भी इस कार्ड के बारे में नहीं पता है, और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप इस कार्ड को अपने बिजनेस के लिए नहीं यूज करते हैं, तो इससे आपका बिजनेस काफी लॉस में जा सकता है और बंद भी हो सकता है। तो आज मैं इस डिजिटल बिजनेस कार्ड के बारे में आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि ये कैसा दिखता है और कैसा वर्क करता है। तो ये है डिजिटल बिजनेस कार्ड, ये हमारे एक कस्टमर का डिजिटल बिजनेस कार्ड है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो हमारे कस्टमर ने अपनी कंपनी का नेम लिख रखा है SAS फर्नीचर्स एंड इंटीरियर डिजाइनर, ये हमारे कस्टमर की कंपनी का नेम है। आप अपनी कंपनी का भी नेम ले सकते हैं, XYZ जो भी हो, और यहाँ पर देख सकते हैं SAS फर्नीचर, इन्होंने अपनी प्रोफाइल लगा रखी है और बैक में कवर फोटो भी लगा रखी है। तो आप ये दोनों यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कस्टमर ने अपना बायो के बारे में लिखा हुआ है कि आखिर वो वर्क क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ देख सकते हैं 5 ऑप्शन शो कर रहे हैं। पहला ऑप्शन शो कर रहा है हमें मैप का, कोई भी कस्टमर यहाँ मैप पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वो मैप पर स्विच हो जाएगा, और जैसे स्विच करेगा आपका जो लोकेशन है वहाँ पर शो कर जाएगा, तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकता है और डायरेक्शन भी जान सकता है। तो हम दोबारा से अपने कार्ड पर जाते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है ट्विटर का, अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपको ट्विटर पर मिले, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ट्विटर पर तो ऑटोमेटिक आपका ट्विटर ओपन होगा और आप अपने कस्टमर की प्रोफाइल पर पहुंच जाओगे, तो यहां से आप वो एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है फेसबुक का, आप यहाँ पर अपने फेसबुक की लिंक डाल सकते हैं, कोई अगर फेसबुक पर क्लिक करेगा तो आपके आपकी प्रोफाइल पर चला जाएगा। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम का, अगर कोई इंस्टाग्राम पर क्लिक करता है तो वो इंस्टाग्राम पर स्विच हो जाएगा। उसके बाद अगला फीचर दिया गया है व्हाट्सएप का, अगर कोई व्हाट्सएप पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक उस व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा, अगर वो व्हाट्सएप पर यहाँ क्लिक करता है तो यहाँ से वो मैसेज कर सकता है, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, तो आप ये भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अपना कस्टमर ईमेल आईडी लगा सकता है, आप जो भी ईमेल आईडी लगाना चाहें, ये आपकी बिजनेस मेल आईडी है, उसके नीचे आपकी अल्टरनेटिव मेल आईडी है, यहाँ पर आप फोन नंबर लगा सकते हैं। आप अगर इन जीमेल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जीमेल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप दोबारा से दूसरे जीमेल पे ओपन करते हैं तो दोबारा से जीमेल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का, अगर आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं तो कॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं नंबर डायल होके आ गया है, ठीक। और उसके नीचे ऑप्शन आता है अल्टरनेटिव नंबर का, अगर आप दोबारा से इस नंबर पे करेंगे तो दोबारा से ऑप्शन आ जाएगा कॉल करने का। उसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ है कि आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस का एड्रेस डाल रखा है। QR कोड क्या है, अगर इस QR कोड को कोई भी स्कैनर से स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ये डिजिटल बिजनेस कार्ड है उसको आप कोई भी चेक कर सकता है। उसके नीचे क्या है सर्विसेज, कौन कौन से सर्विसेज ये कस्टमर प्रोवाइड करते हैं, तो इनका है कारपेंटर से रिलेटेड, तो ये जो भी प्रोडक्ट ही बनाते हैं उसके बारे में इन्होंने डाल रखा है, टीवी यूनिट डाइनिंग रूम। तो आप इस तरह से अपने कोई भी प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर फिजिकल प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर उनको डाल सकते हैं। उसके नीचे आता है गैलरी का, तो गैलरी स्क्रॉल भी कर सकते हैं। उसके नीचे प्रोडक्ट का आता है क्या कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक। उसके नीचे ऑप्शन आता है बिजनेस आवर्स का, तो आप यहाँ पर अपने बिजनेस आवर्स भी लगा सकते हैं कि आप कितने टाइम फ्री रहते हैं, कितने टाइम आप काम करते हैं, तो आप वो यहाँ भी लगा सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन आता है इंक्वायरी का, अगर कोई कस्टमर यहाँ पर अपना नाम डालता है, ईमेल आईडी डालता है, फ़ोन नंबर डालता है और उससे क्या क्या सर्विसेज चाहिए, तो वो यहाँ पर टाइप करके सेंड मैसेज करेगा, और जैसे सेंड मैसेज करेगा ऑटोमेटिक इन्होंने जो ये मेल आईडी डाल रखी है इस मेल आईडी पर मैसेज जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से उनको उस कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी और नंबर मिल जाएगा, और वो चाहता क्या है वो वहाँ पर देख पाएंगे, जिससे कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे ही ऐड टू कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा, हम ये पहले से डाउनलोड कर चुके हैं तो हम दोबारा से डाउनलोड अगेन करते हैं, और जब ये डाउनलोड जाएगा उसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे हमें अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है, हम किस ईमेल आईडी में इनका कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं, तो हम इस मेल आईडी में इनका कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक ये कॉन्टैक्ट हमारी इस मेल आईडी में सेव हो चुका है। उसके बाद ऑप्शन आता है शेयर का, अगर आप इस कार्ड को शेयर भी करना चाहते हैं लिंक के थ्रू आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 आइकन बने हुए हैं, आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा QR का, तो यहाँ से आप QR डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ठीक। तो ये है QR आ गया हमारे सामने, तो इस QR को जो भी स्कैन करेगा या फिर इस QR को आप प्रिंट कराकर कहीं भी लगा सकते हैं, जो भी आपका QR ये स्कैन करेगा ऑटोमेटिक आपके इस डिजिटल बिजनेस कार्ड पर स्विच हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है शेयर का, यहाँ से अपने कार्ड को आप शेयर कर सकते हैं इस इन सभी माध्यम से, और आप चाहें तो लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस डिजिटल बिजनेस कार्ड को यूज़ करना है अपने बिजनेस के लिए तो इस दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करिए, और अगर आपको इसका फ्री ट्रायल चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।